अरे हाय, पहचाना मुझे? मुझे नहीं पहचाना। अरे अरे यार, मैं वही हूँ जो हर चीज के ऊपर आवाज उठाती हूँ, हर किसी पे कमेंट करती हूँ, उनको सही गलत का एहसास करवाती हूँ। ये सब मैं ही तो करती हूँ, नहीं पहचाना? नाम ही बताना पड़ेगा। मेरा नाम सोसाइटी है, सोसाइटी। डर गए ना? डरना चाहिए और थोड़ा इज्जत भी देना चाहिए, सोसाइटी है हम। अभी आप आ ही गए हो तो फिर चलिए वीडियो देखिए, हमें थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए और थोड़ा डर भी लीजिए, समझे? चलो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? देखो बेटा, सोसाइटी के रूल बुक में ऐसे बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाओ। समझ में आई बात? ये क्या पहना है तुमने? ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाओगी और मुश्किलें साथ में लेके आओगी। हम क्या करें? बदनाम होने दे हमारी सोसाइटी को, हमारी परंपरा को? बिल्कुल भी नहीं। गो एंड चेंज योर क्लोथ्स, फिर बाहर जाना। मैं यहीं पे खड़ी हूँ, तुम ऐसे कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकती। अरे बेटा, अभी ये क्या पहना है तुम? ये सब अगर पहनोगी तो आत्मविश्वास कैसे आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कोई चीज होती है बेटा। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम्हारे कपड़े ठीक हो। घर पे ही बैठो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा बाहर जाके। घर पे ही बैठो। हेलो आंटी जी, कैसे हो आप? अंकल जी कैसे हैं? अंकल जी आए आपको छोड़ने के लिए? मुझे उनके साथ बात करना है। आंटी जी, इस सिचुएशन में किसका क्या चल रहा है ना, कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं सबका हाल चाल पूछ रही हूँ। मेरा पूछने से कुछ होने वाला नहीं है, पर एटलीस्ट लोगों को तसल्ली मिल जाएगी कि हम लोग साथ साथ है। आप रे, कितना बात करती है ये लड़की, इसका सर नहीं दुखता है क्या? मुस्ता अपला चपर 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 चपर। बड़ों से कैसे बात करनी है इसे ये भी नहीं पता, और औरत होकर इतना बात करना अच्छी बात नहीं है। कौन समझाएगा ऐसी लड़कियों को? देखो देखो, आजकल की लड़कियां देखो कितना एटीट्यूड भरा हुआ है इनके अंदर। एक हाँ ही नहीं बोला जाता इनसे। अब हम बड़े हैं तो हम यहाँ भी इनका हालचाल पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे। तोंडा वर्ची माशी हालत नहीं है मुनिंजा, और औरत होके इतना एटीट्यूड। अरे तुम इतना राइस क्यों खा रही हो? इतना राइस क्यों खा रही हो तुम? हाँ, इससे ही बेली फैट बढ़ता है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि ग्रीन टी पिया करो, ये क्या खा रही हो तुम? दिस इज वेरी अनहेल्दी, ओके? यू शुड गो फॉर हेल्दी डाइट नाउ, दैट विल हेल्प योर बेली फैट टू रिड्यूस। चलो आई एम रेडी। ईयू, लुक एट योर फेस, तुम्हारे फेस पे काफी पिंपल्स आए हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, ट्राई नीम एंड हल्दी का फेस पैक। थोड़ा पानी पिया करो यार, मतलब स्टे हाइड्रेटेड। तुम क्या पहनने वाली हो? मतलब ये येलो वाली साड़ी? नहीं नहीं, ये साड़ी तुम पे सूट नहीं होगी। इस साड़ी को पहनने के लिए थोड़ा फिगर अच्छा होना चाहिए और रंग गोरा होना चाहिए। तुम्हारे पास दोनों भी नहीं, ठीक है? तुम्हें काम करना, तुम ये लाल वाली साड़ी पहन। वैसे भी तुम लगती बहन जी। चलो, ये क्या पहना है तुमने? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अगर प्लेन साड़ी हो ना तो प्लेन साड़ी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज ज्यादा अच्छा लगता है। ये क्या पहना है तुमने? अरे फैशन सेंस क्यों नहीं होता है लोगों के पास यार जी? यू शुड आस्क मी ना, नेक्स्ट टाइम मुझे पूछ के डालना कुछ भी, ठीक है? और बेटा क्या हालचाल, क्या चल रहा है फिलहाल? मैं एमए साइकोलॉजी कर रही हूँ आंटी जी। दूसरों का स्ट्रेस लेवल अच्छा करते करते खुद का स्ट्रेस लेवल बिगाड़ मत देना, बस इतना ही बोलना था। तो रिकमेंडेशन है कि तुम 9 to 5 जॉब कर लो बेटा। देखो फिक्स्ड इनकम आएगा, मंथली सैलरी, थोड़ा खर्चा और सेविंग्स, सब हो जाएगा ना 9 to 5 जॉब में। चेज योर ड्रीम्स आफ्टरवर्ड्स बेटा। अच्छा तुमने करियर वाइज क्या डिसाइड किया है मुझे बताओ। हाँ, मतलब मैं सोसाइटी के रूल बुक से तुम्हें गाइड करूंगी, ओके? बताओ मुझे क्या बनना है तुम्हें? आंटी जी, मुझे ना एयर होस्टेस बनना है।
बेटा यहाँ पे तो लिखा है कि एयर होस्टेस के लिए हाइटेड होना बहुत जरूरी है। बेटा तुम्हें देख के ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारी हाइट इस एज में बढ़ेगी, तो ये एयर होस्टेस वगैरह छोड़ दो, मतलब छोड़ दो। फिर मैं टीचर बन जाऊं? टीचर? टीचर के लिए लिखा है लो इनकम, रिस्पेक्टेड जॉब, वर्किंग आवर्स लेस, वो सब तो हो जाएगा बेटा, पर इम्पोर्टेंट नो, कुछ अलग सोच। तो मूवीज देखे तो उसमें ना आर्मी का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लूं? आर्मी का तो यहाँ पे लिखा है तुमसे ना हो पाएगा, भी लिखा है तो मतलब सोच के लिखा होगा जिसने सोसाइटी रूल बुक में, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। ये आर्मी वार्मी कहाँ पे, मतलब सी वी आर वेरी नॉर्मल पीपल हाँ बेटा, मतलब वी आर्मी छोड़ दो, मतलब ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी ये आर्मी वार्मी, छोड़ दो। फिर डांसर, बेटा डांस तो ठीक है पर खाओगी क्या, छोड़ दो छोड़ दो। स्पोर्ट्स पर्सन बन जाओ, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। एथलेट या स्पोर्ट्स पर्सन, बेटा यहाँ पे तो लिखा है कि एक एज के बाद ना बेटा बॉडी जो है ना वो एथलेट और स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट नहीं करती है। सी व्हेन यू आर 50s एंड 60s तो उस समय भी बॉडी तुम्हारी सपोर्ट नहीं करेगी ना तुम्हें, तो रिटायर हो जाते हैं 30 और 40s में ही, तुम उसके बाद क्या करोगे। सो एथलेट एंड स्पोर्ट्स पर्सन मतलब छोड़ ही दो, तुम फुल टाइम करियर तुम स्पोर्ट्स पर्सन में नहीं कर सकते बेटा, नो। Hey guys, so this was today's video. Do let me know how you like this video. Also, please don't get offended. It's just a video. This video was not made for those who judge people, but it was made for those who get judged by people. and also, please do let me know that did you really relate to all the situations shown in the video? Please, if you guys are commenting to other people's whatever, sorry. For that, first of all, and uske baad you people really don't know what a person is going through, so please do not comment on anything that you don't have any idea about. Also, the people who are getting judged by other people, don't bother what other people are talking about you. Just go on your track, just do whatever you want, just live your life, just chase your dreams. Please like, share and comment to the video. Also, subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon so that you will never miss a video here after. And also, please tell me, shall I make more videos on society, because I have a lot of content on society. Please do tell me. Thank you for watching this video. Bye.